अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को सेवई की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या किसी भी ओकेजन पर आप बना सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट में आसानी से बनने वाली है ये। पहले मैंने 100 ग्राम मीडियम भुनी हुई सेवई ली है। आप महीन दाने वाली या मोटे दाने वाली भी सेवई ले सकते हैं। देन मैंने 250 यानी 250 ग्राम चीनी ली है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। देन मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है। उसके बाद स्लाइस कटे हुए बादाम 25 ग्राम, स्लाइस कटे हुए अखरोट 25 ग्राम और स्लाइस कटे हुए काजू 25 ग्राम और 25 ग्राम किशमिश। आप ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है और उसे चूल्हे पर हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है। हम इस दूध को थोड़ा सुखा लेंगे और इसे चलाते भी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध मेरा सूख गया है, थोड़ा सा सूख गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सेवई, जो मैं मीडियम सेवई मैंने ली थी, मीडियम भुनी हुई सेवई मैंने ली है और इसे अब डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे और सेवई को थोड़ा गला लेंगे। जब सेवई गल जाएगी तब हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। सेवई को लो फ्लेम पर गलाना, इस बात का ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पर सेवई गलेगी। सेवई अब हल्की गल गई है तो मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें अखरोट ऐड किया है, देन स्लाइस कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ, उसके बाद स्लाइस कटे हुए काजू ऐड कर रही हूँ, देन किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे पिस्ता या और कोई भी। और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। देन इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ, 250 ग्राम शुगर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे और लो फ्लेम पर ये अच्छे से गल रही है। बाकी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो रही है। तो बस सेवई हमारी रेडी है। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने ओपिनियंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।